नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार विधान परिषद के होने वाले एक सीट पर उपचुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से स्वर्गीय तनवीर अख्तर की पत्नी रोजिना नासीन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि रोजिना ने आज अपना नामांकन जब दाखिल किया उस वक्त उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और जेडीयू की तरफ से आज उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जो है वो की है। बता दें आपको कि इस मौके पर बहुत सारे जो बड़े दिग्गज थे वो मौजूद थे। वहीं बिहार की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे और आपको बता दें कि रेणु देवी भी वहाँ मौजूद थी और अगर बात करें तो मंगल पांडे भी वहाँ मौजूद थे, साथ ही साथ संजय जायसवाल भी मौजूद थे। तो जो ये उपचुनाव होने वाली है एक सीट पर, दरअसल जो दिवंगत तनवीर अख्तर हैं उनका निधन हो गया था जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी और इस पर जो उपचुनाव हैं वो 4 अक्टूबर को होने वाले हैं। दरअसल आज नामांकन की आखिरी तिथि थी, नामांकन को लेकर आज आखिरी तारीख थी जिसको लेकर आज जेडीयू की तरफ से जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया है रोजिना ने। और आपको बता दें कि आज जब नामांकन दाखिल हुआ है तो 22 तारीख यानी कि 22 सितंबर आज आखिरी तारीख था जब नामांकन किया जाना था। साथ ही साथ 27 सितंबर तक नाम वापसी की तारीखों का जो है वो तय किया गया है। अगर उपचुनाव को लेकर हम बात करें मतदान की तो 4 अक्टूबर को मतदान होने हैं और तैयारियां जो हैं इसको लेकर वो जोरों शोरों से की जा रही है। दरअसल इस मौके पर जब स्वर्गीय तनवीर अख्तर की जब बीवी ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे और ख़ुद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी मीडिया के सामने दी। वो खुद उन्होंने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है और बड़े दिग्गज जो हैं वो मौजूद थे उनके साथ। दरअसल अगर हम स्थितियों की बात करें तो बिहार में एक तो पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और दूसरी तरफ उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। इस उपचुनाव में अगर हम बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल का बखूबी ध्यान रखा जाएगा, उसे पालन कराया जाएगा और अगर स्थितियों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से स्थितियां जो है वो बेहतर की जा रही है। स्थितियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहतर तरीके से की जा रही है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया रोजिना ने तो क्या कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। और पूरे एनडीए की आप सबको मालूम है तनवीर अख्तर साहब मिल सके और उनका निधन हो गया कोरोना के चलते और अभी उसके मृत्यु के बाद जो चुनाव हो रहा उसी में हम सब लोगों ने तय किया उनकी पत्नी को इन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। सब उनके साथ ही जो विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है, जो राज्य के सिपाही हैं जब उनके यहाँ छापेमारी होती है तो 10-10 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, हालांकि कार्रवाई हो रही है तो इसे कैसे देखते हैं? सर देखिए, कार्रवाई तो सब होता ही है, जो नियम और कानून है उसके हिसाब से सब कार्रवाई होती है। अगर किसी के बारे में कोई आरोप लगेगा तो उसकी जाँच होती है और ये पुलिस का काम है इन सारे चीज़ों को करने का। तो आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है हमारे पुलिस के अधिकारी आपको इसके बारे में क्या अधिकारी फोन नहीं उठा रहे ना डीजीपी साहब, एडीजी साहब भी फोन नहीं उठाते हैं ना ही सर, कई बार सबको तो नहीं जाता कर रही है हमारे लोग टीवी के बारे में पुलिस वाले के बारे में आया है हमने कहा तो पुलिस वाले बताएंगे। तीनों का कहना है कि ये लोग फोन कर रहे नहीं तो आप बता दीजिएगा कि हम पूछा गया है उन लोगों को डीजीपी को खबर कर लीजिए वो अपने किसी अधिकारी के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट है पूरा प्रेस के माध्यम से पकड़ लीजिए। चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुबह के मुखिया नीतीश कुमार ने नामांकन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए तमाम बातें कही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 अक्टूबर ये वो तारीख है जब विधान परिषद की एक सीट को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं, ये वो तारीख है जब प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ जो हैं वो पुख्ते हो किए जा चुके हैं। एक तरफ बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उपचुनाव
4 अक्टूबर को होने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। इसमें कोरोना की गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जाएगा और इस उपचुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी बखूबी की जा रही है। हालांकि जेडीयू अपनी तरफ से ये दावे ज़रूर कर रहा है कि इस बार वो इस सीट को भी ज़रूर जीतेंगे, लेकिन अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस सीट पर आखिर जीत किसकी होती है। 4 अक्टूबर का इंतज़ार है जिस दिन मतदान होने वाले हैं, और उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर जेडीयू इस जीत को दोबारा, इस सीट को दोबारा हासिल कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए डीटीवी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।